उसके बाद इसने मैक्सिमम 51 लीटर दूध निकाला है। 51 से भी ज्यादा था। 51 लीटर होता था। चार बफेलों का एक टाइम में सात बफेले का मिल्किंग एक साथ करती थी। और सबसे जो मैक्सिमम है वो बीजू मिल्क कैपेसिटी मैक्सिमम बीजू की 11 और 11 से ऊपर तक करती थी एक टाइम का, और गांडी करती थी 10 लीटर। तो पूरा 51 लीटर मिल्किंग भारती ने एक टाइम में किया हुआ है। लेकिन पहले पहले बहुत ज़्यादा, अगर आप देखोगे नज़दीक से तो जो ये आज से मैं पहले ऊपर से प्रेस करना और बाद में थोड़ा सा ऐसे लूज छोड़ना है ताकि इसमें दूध वापस भर जाए एंड वापस से प्रेस करना है। अभी इसको थोड़ा सा वो लग रहा है कि आज कौन आ गए, ये कैमरा वाले और सब बातें कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैं एक हाथ से ऐसे करती हूँ, एक हाथ से थंब नीचे रख के, वो इसीलिए मुझे थोड़े टाइम पहले यहाँ बीच में कुछ लगा था जिसकी वजह से मैं ऐसे रख के नहीं, नाइफ लग गई थी सर, नाइफ लगी थी, सोई लगी थी। तो उसकी वजह से बाद में मैंने ऐसे इस हाथ से हैबिट हो गई, लेकिन दूसरे हाथ से वो हैबिट नहीं हो पा रही है। तो बस एक हाथ से ऐसे ही मैं दूध निकालती हूँ और दूसरे हाथ से वैसे। आपको एक बार टेक्निक आ जाए अच्छी तरह से फिर आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और थोड़े टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा प्रैक्टिस का। धीरे धीरे आप एक दो लीटर निकाल पाओगे, फिर धीरे धीरे करके। किना बात करो तू मनीषा है बात करो कहाँ हो कहता तू दड़ो क्लीन थे गोई तो पीने बाहर कहाँ आटा मारो हमारे है पुष्करों है तो ओ ये व्यक्ति क्या यूं पैदा तू हमारा डुआ हुआ मनी और कनु को टाइम हुआ है 7 महीने हो चुके हैं, आई थिंक बच्चा दिए हुए 7 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी, और अभी भी ये 7 लीटर के आसपास दूध करती है मॉर्निंग को, और इवनिंग को 6 लीटर के आसपास करती है, क्योंकि इवनिंग को जब हम थोड़ा सा जल्दी दूध निकाल लेते हैं तो ऑलवेज सारी बफेलो का मॉर्निंग में दूध थोड़ा सा ज़्यादा होता है इवनिंग से। और अभी खाने में बस अभी